तो दोस्तों कल मैं अपने घर पे सो रहा था, तभी मेरे को एक चीज ध्यान में आई कि अपने रोप रोक निंजा हीरो के जो डेजर्ट अपडेट आया ना, इसमें हमें एक माइनिंग भी देखने को मिल रही है। तो भाई मैं ना सोच रहा हूँ कि क्यों ना आज हम माइनिंग करने जाएं, क्योंकि मेरे को पता चला कि उसके अंदर काफी सारे डायमंड्स, गोल्ड, कोल और भी काफी महंगी महंगी चीजें जो कि भाई अपने बहुत ज्यादा काम आने वाली है। और यहाँ पे एक और फायदा होने वाला है कि यहाँ पे भाई मेरे को बिल्कुल भी काम नहीं करना पड़ेगा, कुछ मैं अपने काम करने के लिए कुछ बंदों को हायर करना होगा, वो सारे के सारे भाई मेरे को काम के देंगे। यहाँ पे मेरे को बिल्कुल फ्री में काफी सारा पैसा मिलने वाला है। तो आज हम करने वाले हैं माइनिंग, और यहाँ पे मैं आज को अपने डेजर्ट एरिया में माइनिंग एरिया में, और यहाँ पे भाई मेरे को ना एक चीज और है कि मेरे को काफी सारी भाई लैम्बोर्गिनी कार परचेज करनी है। सो यदि मेरे को यहाँ से काफी सारा पैसा मिलेगा ना, तो उससे मैं वो करने वाला हूँ और अपने लिए घर भी परचेज करने वाला हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे को कुछ अपने लिए भाई ऐसे बंदे हायर करने होंगे जो कि भाई काफी पावरफुल हो और काफी जल्दी काम करे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले नंबर वन को ही सिलेक्ट करता, यहाँ पे मेरे को पांच बंदों को हायर करना होगा एक माइन में काम करने के लिए। यदि मेरे को एक माइन में पांच बंदे काम नहीं करवाऊंगा तो भाई वो माइन बहुत धीरे धीरे करेगी काम, तो इसलिए मेरे को कम से कम पांच बंदे तो काम के लिए चाहिए। और यहाँ पे मैंने इन सारे के सारे बंदों को तो यहाँ से खरीद लिया है, अभी बंदे मेरे लिए काम करेंगे, भाई मेरे को कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है अब। तो यहाँ पे सबसे पहले इस एरिया में आके मेरे को यहाँ पे भाई 20,000 रुपए में मेरे को एक माइन मिल रही, भाई कितनी ज्यादा महंगी है। तो यहाँ पे देखते हैं, अब ये धमाका हो गया, अरे वाह यार काफी जोर का धमाका हो गया। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि अब हम कौन सी चीज हमें मिलने वाली है, कि भाई यदि भाई कोई सस्ती चीज मिलेगी तो यदि नुकसान हो गया तो भाई काफी दिक्कत होने वाली है। तो चलो यहाँ पे मेरे बंदे तो खड़े हैं, लेकिन मेरे को यहाँ पे देखना पड़ेगा कि मेरे को यहाँ पे इस माइन के अंदर मिला क्या है। तो इसको जल्दी से ओपन करते, इसका नाम है पायराइट और इसका प्राइस यहाँ पे भाई मेरे को यहाँ पे भाई 106 यानी कि 106 ही मिले भाई, इतने ज्यादा कम यार यार 20,000 रुपए दिए मैंने इसके लिए। ओ यार कभी यार मेरा ना नुकसान ना हो जाए तो मेरे को ये चीज़ तो देखनी पड़ेगी। तो चलो देखते हैं भाई, मैं सबसे पहले यहाँ पे जितने भी सारे बंदे हैं ना मेरे पास, उन सारों के सारे बंदों को यहाँ पे काम पे लगा देता हूँ ताकि वो यहाँ पे माइनिंग करे, उससे मेरे को जितना भी सारा सामान मिलेगा तो उसे हम इसके मैनेजर को बेच देंगे और उसके बदले में वो हमें काफ़ी सारे पैसे देने पड़ेंगे, जितना उसका मार्केट में जो प्राइस होगा ना उसके हिसाब से हमें काफ़ी ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे। तो चलो यहाँ पे मैं जल्दी से इन बंदों को तो यहाँ पे काम पे लगा देता हूँ, और एक बार मेरे को ये भी चेक करना पड़ेगा कि ये भाई ये जितने भी सारे बंदे ये कैसे काम करने वाले, कभी भाई ये मेरे पीछे से ऐसा आराम कर रहे हो बैठ रहे हो तो भाई इससे तो भाई काफी दिक्कत होने वाली है। तो ये बंदे तो भाई काफी अच्छे से काम कर रहे हैं बारी बारी से सारे मिलके, तो यहाँ पे ये तो काफी अच्छी चीज है। और यहाँ पे उन्होंने भाई आई थिंक पूरा का पूरा काम भी कंप्लीट कर दिया कि भाई मेरे को देखना पड़ेगा। तो चलो अब हम चलते हैं मैनेजर के पास में, और ये जो मैनेजर है ना ये हमें उस चीज का प्राइस बताने वाला है। तो यहाँ पे हमें सेल माइनिंग पे करना, मिनरल्स पे क्लिक करना होगा, उसके बाद में यहाँ पे हमारे एक यहाँ पे इसकी क्वांटिटी मतलब कि एक क्वांटिटी का हमें एक चीज का $52 मिल रहा है, तो भाई काफी ज्यादा है। तो यहाँ पे मेरे को ऑलमोस्ट 5,200 से कुछ ज़्यादा मिलने वाले हैं, तो भाई काफ़ी कम पैसे मिलने वाले हैं। वैसे तो मैंने इसके लिए भाई 20,000 रुपीज़ दिए थे यार, इतने ज़्यादा, लेकिन यार कोई बात नहीं, पहली माइनिंग है तो यार इसमें तो हमें काफ़ी कम मिलता है, लेकिन जो आगे में माइनिंग मिलने वाले हैं ना तो उसमें हमें काफ़ी ज़्यादा पैसे मिलने वाले हैं। तो ऑलमोस्ट यार यहाँ पे मेरा भाई करीब 50,000 रुपीज़ का यार यहाँ पे लॉस हो गया, और यहाँ पे जितने भी सारे बंदे हैं वो उन्होंने काम भी किया तो उसका भी यार काफ़ी ज़्यादा, यानी कि मेरे को ऑलमोस्ट 20,000 से ऊपर यार काफ़ी ज्यादा नुकसान हो गया। लेकिन अब यदि मेरे को कोई अच्छी चीज मिल जाती है ना इस माइनिंग में तो ही भाई कुछ काम बनने वाला। तो यहाँ पे मेरे को क्या चीज मिली है, ओ भाई यहाँ पे तो मेरे को कोल मिल चुका है, और यहाँ पे भाई इसको हम सबसे पहले बंदों को यहाँ पे थोड़ा सा अपग्रेड कर देते हैं, क्योंकि यार काफी थके हुए हैं यार ये, तो इनको अपग्रेड करना तो बनता नहीं, तो भाई ये काम काफी धीरे करने वाले। तो मैं सारे के सारे जितने भी बंदे हैं मेरे पास उन सभी को जल्दी से अपग्रेड कर देता हूँ ताकि ये काफी जल्दी जल्दी काम करे और इससे हमें काफी जल्दी जल्दी पैसा भी मिलता रहे। तो यहाँ पे मैंने इन सभी को अपग्रेड कर दिया, मेरे को कुछ और बंदों को भी हायर करना होगा क्योंकि मेरे को आगे भी तो काम चलाना है ना। तो यहाँ पे भाई मैं सबसे पहले तो इन सारे के सारे बंदों को असाइन कर देता हूँ, जितने भी मैंने नए बंदे मतलब कि जितने भी सारे बंदे थे ना वो भाई पीछे वाला तो काम उन्होंने कंप्लीट कर ही दिया था, उन्होंने मेरे को आगे काम पे लगाना था, तो यहाँ पे मैंने उन सभी को यहाँ पे लगा दिया। अब ये इस माइनिंग पे काम करने वाले हैं, तो चलो अब हम यहाँ से इनका बस थोड़ा सा काम देख लेते हैं। और यहाँ पे ओ भाई साहब यार यहाँ पे तो भाई मेरे को देखो 720 मतलब कि 7,200 यार यहाँ पे इतना सामान मिलने वाला है। और मेरे को एक चीज़ देखने पड़ेगी कि कोल का प्राइस कितना है, यदि कोल का प्राइस काफ़ी ज़्यादा होगा ना तो भाई
भाई मैं तो करोड़पति बन जाऊंगा। तो चलो यहाँ पे जल्दी से चलते मैनेजर के पास में, और यहाँ पे मैनेजर से देखते हैं भाई इसके पास कितने ज़्यादा चीज़ें, मतलब कि इसका प्राइस क्या है। तो ये है हमारा माइन मैनेजर, और यहाँ पे कोल का प्राइस है भाई 20। यार इतना ज़्यादा कम भाई, 50 तो होना था यार, यदि 50 होता ना तो भाई काफ़ी मज़ा आता था। वैसे भी यार 20 में भी यार काफ़ी काम चल जाएगा, 20 में ऑलमोस्ट मेरे को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिलने वाला है, तो भाई मज़ा ही आने वाला है। आज तो दबा के काफ़ी ज़्यादा पैसा मिलने वाला है, कई लाख मिलने वाले हैं, आई थिंक लाख तो नहीं भाई, मतलब कि मिल जाएंगे काफ़ी ज़्यादा पैसे, जो कि भाई मतलब मिलने जितने भी ज़्यादा पैसे यहाँ पे लगाए थे ना उससे ज़्यादा ही पैसे मिलने वाले हैं। और यहाँ तो चलो यहाँ पे अब मैं देखता हूँ कि ये बंदे कैसे काम करने वाले हैं, क्योंकि मैंने इनको अपग्रेड कर दिया था भाई, तो इसमें कोई तो भाई इंप्रूवमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे गाइस यार आप सभी देख सकते हो कि इनकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ी है, थोड़ा जल्दी से काम कर रहे हैं, तो इसका ये फ़ायदा होने वाला है यदि तुम इनको अपग्रेड नहीं करोगे ना तो ये भाई काफ़ी धीरे धीरे काम करेंगे। तो चलो अब यहाँ पे मैं एक और माइन को यहाँ पे जल्दी से डिग कर लेता हूँ, और भाई यहाँ पे ब्लास्ट कर देते हैं, और यहाँ पे जैसे ब्लास्ट होगा यहाँ से हमें भाई भग के दूर चलना पड़ेगा। तो देखते हैं, ओ भाई धमाका हो गया काफी जोर का। तो चलो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें क्या चीज मिली है। तो यार ये तो कोई भाई रंग बिरंगी चीज है यार, एक बार इसका नाम पढ़ते हैं, बोरनाइट। ओ भाई बोरनाइट है, तो इसका प्राइस यहाँ पे हमें ऑलमोस्ट 1000 यहाँ पे ये मिला है। तो मेरे को काफी सारे बंदे यहाँ पे हायर करने होंगे जो कि मेरे को इस माइन में काम करेंगे, तो इसलिए तो यहाँ पे मैंने काफी सारे भाई ऑलमोस्ट मैंने 6 बंदों को हायर कर दिया। मेरे को यहाँ पे सिर्फ 5 बंदे हायर करने थे, अब जो छठा बंदा होगा ना वो फ्री में घूमेगा यहाँ पे। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं जल्दी से सारे के सारे बंदों को यहाँ पे असाइन भी कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे को चेक करना पड़ेगा कि भाई बंदे आ भी रहे हैं कि नहीं। हाँ तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हो सारे के सारे बंदे भाई अपने लिए काम करने के लिए आ रहे हैं। और ये जो मोटा सांड है ना, ये जो तुम्हें दिख रहा है भाई, यार ये वो फालतू बंदा है जिसको मैंने हायर तो कर लिया, लेकिन यार ये मेरे लिए अभी काम नहीं करेगा। मैं आगे यदि माइन में और कुछ खरीदूंगा ना, मतलब कि ब्लास्ट करूंगा आगे और बंदों की जरूरत पड़ेगी, तो ये मेरे लिए काम करेगा, नहीं तो भाई ये फ्री में घूमने वाला है। कोई नहीं गाइस यार, इसको हम फिर कभी काम पे लगा देंगे। तो यहाँ पे जल्दी से मैं अपनी माइन को भी अपग्रेड कर लेता हूँ भाई। अब माइन अपग्रेड करने का तो मेरे को इतना ज़्यादा सिस्टम तो मेरे को पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे मेरे को देखो इनकी, यहाँ पे आप सभी देख सकते हो इसका स्टार्टिंग ओर है ना, इस ये ज़्यादा बढ़ जाता है, और यहाँ पर इसका जो कोल डाउन ड्यूरेशन होता है ना भाई यार, वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है, इससे आप अपनी माइन को काफ़ी लंबे टाइम के लिए चला सकते हो, और यहाँ पर आपके जितना सामान मिलने वाला होता है उससे ज़्यादा यहाँ पर आपको सामान मिलता है, और भाई काफ़ी ज़्यादा पैसों कमा सकते हो इससे तुम। तो चलो यहाँ पे मेरे को जल्दी से अपनी दूसरी माइन को भी चेक करना होगा, क्या बंदे यार सही से काम करें भाई, सारे के सारे बंदे सही से काम करें। तो चलो अब हम चलते हैं अपने मैनेजर के पास, और यहाँ पे हमें चेक करना होगा भाई। अब मेरे पास 1,00,000 से 3,000 पे आ चुका हूँ यहाँ पे, अब मेरे को काफ़ी ज़्यादा पैसे भाई कमाने होंगे, नहीं तो यार यदि मैं आगे माइनिंग नहीं कर सकता। तो यहाँ पे मेरे को सबसे पहले देखना होगा, तो मेरे पास जितना भी कोल है ना मैं उसको जल्दी से बेच देता हूँ। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 19,520,000 का भाई, 20,000 यहाँ पे मैंने कोल बेच दिया, और यहाँ पे आप बोरनाइट को भी मेरे को जल्दी से पूरे को सेल करते हैं। तो ये भी भाई मेरे को काफी ज्यादा भाई पैसे मिल गए, इससे भी भाई कमाल ही होगी यहाँ पे। ऑलमोस्ट मेरे पास 37,000 हो गए, 38,000 ही समझ लो, लेकिन अभी भी यार मैं काफ़ी ज़्यादा लॉस में चल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने काफ़ी ज़्यादा पैसे लगा दिए भाई। मैंने 3 माइन को डिक किया था, और यहाँ पे भाई मेरे को बहुत ज़्यादा, पहले में मैंने दिए थे 20,000, दूसरे में दिए थे मैंने 30,000, और तीसरे में दिए थे मैंने 40,000। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने 90,000 यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट कर रखे, लेकिन अभी मेरे को इतने वापस नहीं मिले। लेकिन ये सारे के सारे पैसे मेरे को धीरे धीरे जैसे वो माइनिंग को डिक करेंगे ना, मतलब कि माइनिंग करते रहेंगे तो वो सारे के सारे पैसे मेरे को आगे मिल जाने वाले हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ की तो कोई टेंशन है ही नहीं भाई, भाई नुकसान में नहीं जाएंगे। स्टार्टिंग में हमें थोड़ा लगता है कि हम नुकसान में जाएंगे, लेकिन यार हमारा कोई भी नहीं नुकसान नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे जल्दी से सारे के सारे बंदों को काम पे लगा रखा है। यहाँ पे मैं चलता हूँ एक बार यहाँ पे दूसरी साइड में, और ये मोटा सांड भाई यहीं पर फ्री में घूम रहा है। अब यार ये पहले ही इतना ज़्यादा मोटा है। तो यहाँ पे गाय जरा आपसे भी देखो भाई, ये सारे के सारे बंदे मेरे लिए काम करें। अब मेरे को एक और माइन को मैं जल्दी से यहाँ पे, मैं सबसे पहले तो देखता हूँ कि कौन सा बंदा यहाँ पे फ्री में घूम रहा है, तो मैं उसको फायर कर देता हूँ। आई थिंक मेरे को फायर कर देना चाहिए इस मोटे सांड को, नहीं तो भाई यार ये कुछ काम का नहीं है, बंदा फ्री में घूम रहा है, तो मेरे को देखना पड़ेगा एक तो। और मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे एक और माइन को मैं जल्दी से एक डिक कर दूँ, मतलब कि ब्लास्ट करें, और उसके पहले तो मेरे को मैनेजर के पास जाके चेक करना होगा कि भाई इसमें बोरनाइट मेरे पास कितना ज़्यादा है। तो यहाँ पे सेल माइनिंग पे करते हो, और जितना भी सारे मैं उसको जल्दी से सेल कर देता हूँ। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने 12,000 रुपये का यहाँ पे कोल ये बोरनाइट को सेल कर दिया,
और अब यहाँ पे मैं इसको भी 16,000 भाई कितने ज़्यादा ऑलमोस्ट मैंने 17,000 को यहाँ पे बेच दिया ये भी। तो यहाँ पे आप सभी देख सकते 56,000 हो चुके हैं और यहाँ पे मेरे को एक जल्दी से एक माइंड को डिक करना होगा और आज की इस वीडियो को हम यहीं पर जल्दी से ख़त्म करने वाले हैं। मैं सिर्फ माइंड को डिक करने वाला हूँ और यहाँ पे ये बंदे भी भाई मेरे लिए काम करें और यहाँ पे अभी भी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा ऑलमोस्ट 4,500 कोल बचा हुआ है क्वांटिटी में। तो यहाँ पे मेरे को एक जल्दी से एक माइंड को दिक्कत है और वो हमारी हम नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को दिखाने वाला हूँ, वो इस वीडियो का पार्ट सेकंड होने वाला है। सो मैं जल्दी से जाके यहाँ पे ब्लास्ट कर देता हूँ और आप सभी को मैं मिलूंगा अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए वीडियो को जल्दी से लाइक करो, चैनल पर पहली बार आए तो भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। गुड बाय।